आखिर कौन है भ्रूण का जिम्मेदार? ये सवाल अभी भी पुलिस हल नहीं कर पाई है। दो दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ और जानकारी निकालने के बाद भी पुलिस खाली हाथ है। इस सवाल को हल करना पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एरोड्रम थाना क्षेत्र में मिले भ्रूण की। इसी महीने की 10 तारीख को छोटा पांगडा स्थित कचरा प्लांट में भ्रूण मिला था। उस वक्त वीवीआईपी मूवमेंट भी शहर में था, जिस वजह से पुलिस उस वक्त तो ध्यान नहीं दे सकी थी। लेकिन इस मामले में अभी तक कोई लीड भी पुलिस को नहीं मिली है। खुद अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं कि इस मामले में पुलिस अभी भी खाली हाथ है। उस वक्त ये बात सामने आई थी कि कचरा गाड़ी में इसे को डंप किया गया है, जहां से ये भ्रूण कचरा प्लांट तक पहुंचा। यहां गीला और सूखा कचरा अलग करने के दौरान निगम कर्मियों को इस भ्रूण की जानकारी मिली। पहले इसे नवजात बताया जा रहा था। जब पुलिस ने इसका पीएम करवाया तो पता चला कि यह भ्रूण है। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर की रिपोर्ट से पता चला है कि यह भ्रूण 5 माह से भी कम का है। एसीपी राजीव सिंह भदौरिया ने बताया कि इस मामले में अब तक 2 दर्जन लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। इसमें कचरा प्लांट में काम करने वाले निगम कर्मियों से, कचरा गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर और उनके 2 साथियों से, इसके साथ ही एरोड्रम क्षेत्र के कुछ अस्पतालों में भी जानकार प्रीमैच्योर डिलीवर के संबंध में पूछताछ की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अन्य स्वास्थ्य सहायिकाओं की मदद भी ली जा चुकी है, ताकि ये पता चल सके कि आखिर भ्रूण किसका है। मगर इस मामले में अभी कोई लीड हासिल नहीं हुई है। लगातार इनकी माध्यम से भी जानकारी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी भदौरिया का कहना है कि फिलहाल इस मामले में केस दर्ज नहीं किया गया है। मामला अभी मर्ग जांच में ही है। हालांकि इससे पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि इस सवाल का जवाब मिल सके कि ये भ्रूण किसका है। इस मामले में 2 दर्जन लोगों से ज्यादा लोगों से पूछताछ के अलावा विभिन्न संस्थाएं जो नर्सिंग से जुड़ी हैं, उनमें भी पुलिस ने संपर्क किया है। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है कि कहीं बाहर से ना कर इसे यहाँ डंप किया गया होगा। मैं अज्ञात भ्रूण का पता उठाने के प्रयास विभिन्न हॉस्पिटल्स और साथ ही जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, अन्य स्वास्थ्य सहायिकाएं, इनके माध्यम से भी पता उठाने का प्रयास किया गया है। जो नगर निगम की कचरा संग्रहण टीम है, उससे भी इस संबंध में जानकारी एकत्र की गई है, लेकिन अभी स्रोत का पता नहीं पड़ पाया है।